السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Students, today we will learn about another method of finding mean of group data under continuous frequency distribution. दूसरा method सीखते हैं जो है assumed mean method. So हमारा topic होगा mean of grouped data under continuous frequency distribution. बिल्कुल वही पिछला टॉपिक, लेकिन मेथड दूसरा होगा. दैट इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड. Assumed mean method. देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्लास इंटरवल्स जो होंगे, पिछले मेथड की तरह क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. फ्रीक्वेंसी एफ आई ये गिवन होगी. लेट अस टेक द सेम एग्जांपल. 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, आउट ऑफ 100 मार्क्स उन्हें स्कोर किए हैं. 10 से 25 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए? 25 थ्रू 40, देन 40 थ्रू 55, then 55 through 70, 70 through 85, then 85 through 100. दो बच्चे ऐसे थे जिनके 10 से 25 तक आए, 25 से 40 तक तीन बच्चों के मार्क्स आए. Seven students are those who scored 40 through 55 marks. Then we had 6, 6, and 6. Total number of students jo hai wo hai 30. So summation fi wahi hoga. Inko add kijiye fi ke column ko, you'll get 30. Dekhiye is method mein sabse pehle kya karna hai. Sabse pehle bilkul waise hi aapko class mark nikalna hai. Class mark ka matlab xi से हम उसको दिखाते हैं. क्लास मार्क, मिड पॉइंट इसका दूसरा नाम था, बता दिया था मैंने. तो क्लास मार्क निकालने के लिए आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल वैसी ही है ये, इन द सेम वे. सो यू हैव योर ऑब्जर्वेशन लाइक दिस. इस ऑब्जर्वेशन में आप क्या करेंगे, लेट अस फाइंड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो ये आपका मिड पॉइंट होगा इसमें. Then here you find 10 plus 25 divided by 2. So what do you get? Aapke paas aayega 17.5. Remember one thing here. Ye jo hai ye fi, this is frequency. And this xi is class mark. Class mark. नीचे तक निकालिए इसको 17.5, देन यू हैव 32.5, देन यू हैव 47.5, देन 62.5. बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली डूइंग लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो 55 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, यू गेट 62.5. इसी तरह चलते जाइए 77.5, then you have 92.5. देखिए इस मेथड, उसमें हम क्या करते थे, इसके बाद डायरेक्टली एफ आई एक्स आई निकालते थे और फॉर्मूला लगाते थे समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई. बट वेन इट कम्स टू अज्यूम्ड मीन मेथड, यहां पे आपको नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो निकालना है डी आई. अब डी आई का क्या मतलब है, डी आई होती है मीन, डी आई होती है मीन डिविएशन.
डीआई होती है डिविएशन, नॉट मीन डिविएशन, डिविएशन। डिविएशन का क्या मतलब हुआ? डिविएशन का मतलब होता है जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो आपका क्लास मार्क है, इसमें से आप अज्यूम्ड मीन को निकाल दो, एक्स आई माइनस ए। अब ये स्मॉल ए जो मैंने लिखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। यहां पे याद रखना, ये जो डीआई है, डीआई का मतलब है डिविएशन, डिविएशन। एक्स आई आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो क्लास मार्क है, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन, ए मीन्स अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन कैसे निकलता है? देखिए, अज्यूम्ड मीन का मतलब होता है आपको मीन अज्यूम करना है। मीन मतलब जो एवरेज देगा, एवरेज मतलब, क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज का मतलब है आपकी सेंट्रल टर्म आपको कौन सी लग रही है इसमें। देखिए, पूरा डेटा कहां से कहां तक जा रहा है, 10 से लेकर 100 तक, पूरे जो हमारा डेटा है 10 से लेकर 100 तक, हमारा जो मार्क्स है वो फ्रॉम 10 थ्रू 100 है, बेसिकली 10 से 100 तक पूरा जाना है ना असल में। इसमें से जो मिडिल, इसमें जो सेंट्रल टर्म है उसको आप निकालिए। अब वो सेंट्रल टर्म का क्लास इंटरवल्स में क्या तरीका निकालने का, ये याद रखेंगे। सो अज्यूम्ड मीन, लेकिन यहां पे याद रखेंगे, अज्यूम्ड मीन का एक प्रोसीजर है निकालने का। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी बोला 10 से लेकर 100 तक है तो मैं 50 लेता हूं अज्यूम्ड मीन, नहीं। अज्यूम्ड मीन निकालने का भी एक तरीका है, वो क्या है? सबसे पहले आपको मिडिल रो देखना है कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर द मिडिल रो। मिडिल रो का मतलब है, देखिए, ये पहला रो, ये दूसरा रो, दिस इज थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो। इनको रोज कहते हैं और इनको कॉलम्स कहते हैं, आपको पता होगा। नाउ जो टोटल नंबर ऑफ रोज है ये 6 है। तो अज्यूम्ड मीन निकालने के लिए, रिमेंबर दिस पॉइंट, अज्यूम्ड मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रोज को देखना है। नंबर ऑफ रोज अगर ऑड होंगे, नंबर ऑफ रोज अगर ऑड होंगे, मान लो इसके बाद एक और रो है, लेट अस अज्यूम एक और रो है इसके बाद, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पे 100 से लेकर 115 तक, लेट अस अज्यूम दिस। तो अगर नंबर ऑफ रोज ऑड होंगे, इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ रोज, देन ऑड नंबर ऑफ रोज में जो बीच वाला आएगा, तो बीच वाला रोज में ये वाला आएगा, ऑड नंबर ऑफ रोज में बीच वाले रो का जो मिड पॉइंट है ये होगा अज्यूम्ड मीन, दिस इज अज्यूम्ड मीन। आई रिपीट, इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ रोज देन अज्यूम्ड मीन होगा क्लास मार्क ऑफ द मिडिल रो, जो मिडिल रो होगा उसका जो है क्लास मार्क वो होगा अज्यूम्ड मीन। बट अगर नंबर ऑफ रोज इवन होंगे, जैसे हमारे केस में 6 है तो नंबर ऑफ रोज जो है वो इवन है, इवन नंबर ऑफ रोज में आपको बीच वाले दो रोज पकड़ने हैं। देखिए, ये बीच वाले दो रोज हैं, इन दो रोज के जो मिड पॉइंट्स है या क्लास मार्क्स कह दीजिए, इन दो में से आपकी चॉइस है वेदर यू लाइक दिस और यू लाइक दिस। ये दोनों में से कोई भी आप उठा सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है, इन दोनों में से एक आप अज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर नंबर ऑफ रोज ऑड होंगे, नंबर ऑफ रोज अगर ऑड होंगे तो बीच वाला मिडिल रो का जो क्लास मार्क होगा वो अज्यूम्ड मीन होगा। अगर नंबर ऑफ रोज इवन होगा तो बीच वाले दो रोज, उनमें से कोई भी क्लास मार्क आप लीजिए, वो आपका अज्यूम्ड मीन होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। यू गॉट इट? गुड। Now see, यहां पे जो हमारे नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज यहां पे वी हैव 6 नंबर ऑफ रोज, एंड 6 नंबर ऑफ रोज का मतलब है जो बीच वाले दो में लेता हूं, आई विल टेक दिस एंड दिस, तो इन दो में से मेरी मर्जी है, आइदर आई वुड गो विद 47.5 और आई हैव अ चॉइस टू गो विद 62.5, बिल्कुल मर्जी है, दोनों में से एक अज्यूम्ड मीन लेना है। ठीक है जी, लेट मी टेक 47.5 एज अज्यूम्ड मीन, ये आ गया मेरा अज्यूम्ड मीन।
तो यहां पे जो ए का वैल्यू आएगा वो हमने लिया है ए का वैल्यू अज्यूम्ड मीन दैट इज 47.5। वो हमने देखा कैसे निकल गया अज्यूम्ड मीन, तो ये हो गया अज्यूम्ड मीन 47.5। एक्सआई आपकी ऑब्जर्वेशन होती है और ऑब्जर्वेशन मतलब ये एक्सआई है और अज्यूम्ड मीन 47.5 है, देन यू हैव टू फाइंड द डिविएशन। इसी को डिविएशन कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करो, जो वहां पे निकल के आएगा उसको डिविएशन कहते हैं, और डिविएशन कॉलम डिविएशन वाला कॉलम आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो पहले रो के लिए डिविएशन क्या होगी, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई है 17.5 माइनस ए, ए हमने लिया 47.5, लेकिन पूरे रो में अगर आपने सिलेक्ट किया 47.5 तो पूरे रो में 47.5 ही लेंगे, अगर आपने सिलेक्ट किया 62.5 तो पूरे रो में 62.5 ही लेंगे। ऐसा नहीं आधे रोज के लिए आप 47.5 लेंगे और कुछ रोज के लिए 62.5 लेंगे, नहीं, आइदर यू हैव टू गो विद 47.5 और यू हैव टू गो विद 62.5, जो कि आपके पास दो चॉइसेस है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो इवन थे। चलिए जी, तो पहले के लिए पहली डिविएशन क्या होगी, 17.5 ये xi है, माइनस हमें करना है assumed mean that is 47.5, और ये माइनस में आ जाएगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिकॉज ये डिविएशन निकल सकती है, डिविएशन निकलती है एंड डिविएशन कैन बी नेगेटिव एज वेल। इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो आपके पहले रो की डिविएशन होगी, 17.5 माइनस 47.5 दैट इज नेगेटिव 30, यहां पे लिखा हमने नेगेटिव 30, देन 32.5 माइनस 47.5 दैट इज नेगेटिव 15, देन 47.5 माइनस 47.5 इट्स 0, then 62.5 minus 47.5 that is 15, then 77.5 minus 47.5 that will give you 30, finally 92.5 minus 47.5 that is 45। ये आ गई हमारी deviation। now finally what you have to do, आपको last का एक column बनाना है जिसको हम कहते हैं FIDI। FIDI, now it's very simple. FIDI के लिए आपको क्या करना है, you have to multiply FI with DI. इसको इसके साथ multiply करना है, very simple. FI को DI के साथ multiply कीजिए, वो आपका कॉलम आएगा FIDI का। Now 2 times negative 30, it's negative 60. Similarly, 3 times negative 15, it's negative 45. Then 0. And 6 times 15, it's 90. And 6 times 30, it's 180. And 6 times 45, it's 270. अब आप यहां पे सोचेंगे ये तो ज्यादा कॉलम्स बन रहे हैं, तो अज्यूम्ड मीन मेथड एक टफ मेथड आ रहा है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मेथड। नो, जब आपका डेटा बिल्कुल टफ बड़े बड़े नंबर्स का बन जाता है तो अज्यूम्ड मीन मेथड कम्स इन टू प्ले। ये बिल्कुल आसान होता है बिकॉज इसमें आपको विदाउट कैलकुलेटर्स आप ये मेथड यूज कर सकते हो। जितने बड़े बड़े नंबर्स जाएंगे डायरेक्ट मेथड में उतना डिफिकल्ट होगा आपको मीन निकालना। दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट मेथड्स एज वेल, लाइक अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड इसके बाद और आसानी के लिए वी हैव अनदर मेथड दैट्स कॉल्ड स्टेप डिविएशन मेथड। वी विल टेक दैट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ये आ गया FIDI। Then what you have to do summation FIDI. इसके बाद आपको क्या करना है, summation FIDI, मतलब जो आपने ये FIDI वाला कॉलम निकाला इसको ऐड करना है। Now on adding this you will get 435. ये देखिए आपको मिला 435. उसके बाद आप निकालेंगे, then इसके बाद directly भी आप mean निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, therefore mean जो है, मीन की फॉर्मूला एट अज्यूम्ड मीन मेथड, ये याद रखना, मीन की फॉर्मूला अनग्रुप्ड के वक्त क्या थी, मीन की फॉर्मूला ग्रुप्ड के वक्त व्हेन देयर वाज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, मीन की फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में क्या थी, अब मीन की फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होगी, ये आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला होगी अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन FIDI डिवाइडेड बाय समेशन FI। ये बन गई फॉर्मूला अज्यूम, सॉरी ये ए है खाली, अज्यूम्ड मीन ए, ए मतलब अज्यूम्ड मीन जो हमने यहां पे दिखाया,
assumed mean plus summation FIDI divided by summation FIDI and put the values in and you'll get the answer. See, A, assumed mean humne kya liya hai? 47.5. Yes. Plus summation FIDI kya liya hai? 435. Yahan pe aa gaya. Divided by summation FI kya aa gaya? 30. Now on solving this, what do you get? You solve this, you'll again get 62. Dekhi, 47.5. प्लस 435 डिवाइडेड बाय 30 कीजिए यू विल गेट 14.5 एंड नाउ ऐड दीज टू यू विल गेट 62 जो आपको ये हमने देखा था डायरेक्ट मेथड में भी यू गॉट द सेम आंसर सो दैट इज नथिंग बट योर आंसर मीन ये आपका निकल के आ गया 62 दैट्स योर आंसर सो दिस इज द अज्यूम्ड मीन मेथड एंड दैट्स हाउ यू डू इट इस तरह से आप अज्यूम्ड मीन मेथड में ये सारी चीजें कर सकते हैं Now let me show you some additional thing here. ये जो formula है, ये formula कैसे बन के आती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें सबसे पहले ये याद रखेंगे आप, अगर आप deviation mean deviation निकालेंगे, मतलब जो आपने deviation निकाली, जैसे देखो x होती थी observation, x bar होता था mean, इसी तरह से जो d था, d क्या था? डी हमारा डिविएशन वाला कॉलम था अगर मैंने बार डाला तो इसका मतलब है मीन डिविएशन का मतलब होता है जैसे एक्स बार का मतलब होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई तो मीन डिविएशन का क्या मतलब होगा समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई बिल्कुल इस तरह से मतलब एक्स की जगह आपने डी लिखा बिल्कुल सही है ना डी लिखा है तो डी की जगह अगर हमने एक्स लिखा तो मेरी फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगी समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई बिकॉज मैं एक्स की जगह डी को लिख रहा हूं तो ये ऐसे बन के आएगा समेशन एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई ठीक है जी अब देखिए नाउ दिस विल फर्दर गिव्स यू समेशन एफ आई वापस लिखा डी आई का मतलब है डिविएशन डी आई जो यहां पे है इसको डी आई रखिए आप ये जो है ना देखिए ये वाला यहां पे डी आई का क्या मतलब है डी आई का मतलब डिविएशन है तो डिविएशन किसके बराबर होती है क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन जो हमने वहां पे देखा डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई ऐसे ही रखा देन समेशन एफ आई एक्स आई इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समेशन एफ आई टाइम्स एक्स आई समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई टाइम्स ए दैट इज समेशन एफ आई ए होल डिवाइडेड बाय नीचे से समेशन एफ आई ऐसे ही है अब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए दोनों न्यूमिरेटर्स पे दोनों टर्म्स पे जो न्यूमिरेटर में है तो आपको मिलेगा समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई ए डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई नाउ हियर यहां पे अगर देखेंगे समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई ये तो मीन होता है ये तो हमने देखा मीन की फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड में ये मीन है माइनस अब यहां पे क्या देखेंगे अब जो ए है अज्यूम्ड मीन कांस्टेंट है थ्रू आउट द रो तो कांस्टेंट हमेशा समेशन से बाहर आता है तो ऐसे बाहर आएगा अंदर से बचेगा समेशन एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई अब समेशन एफ आई कैंसिल हो गए वन आएगा यहां पे निकलेगा एक्स आई माइनस ए तो क्या पता चला तो स्टेप कुछ ऐसा बना जो मीन डिविएशन है ये बराबर आ गई इसके अब यहां पे मीन निकालो देयरफॉर जो मीन होगा वो बराबर होगा ये ए को ट्रांसपोज कीजिए यहां पे ये तो प्लस में आ जाएगा सो यू विल गेट लाइक दिस दैट मींस मीन बराबर निकला मीन डिविएशन प्लस अज्यूम्ड मीन अब मीन डिविएशन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बिकॉज एडिशन इज कॉमिटेटिव और इसको ऐसे लिख सकते हैं मीन डिविएशन का वैल्यू है समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इसका मतलब ये पहले स्टार्ट ही हमने इसी से किया था तो यही आपने देखा यहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरह से आती है This is the formula of mean. This is the formula for assumed mean method
ऑफ कैलकुलेटिंग मीन ऑफ ग्रुप डेटा अंडर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके जी, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट अनदर मेथड, दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड. टिल देन टेक केयर, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.